आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ हूं मैं नेहा बात। हम लगातार आपको दिखा रहे हैं जंग बनारसिया, क्योंकि उत्तर प्रदेश के आखिरी चुनावी रण में वाराणसी में आज सजा है सबसे बड़ा दंगल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जबरदस्त रोड शो पूरा हो चुका है। काशी के बाद पीएम मोदी इस वक्त जौनपुर में रैली कर रहे हैं, वहां पर एक बड़ी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। तो वहीं राहुल गांधी और अखिलेश यादव का साझा रोड शो काशी में इस वक्त भी चल रहा है। इस बीच एक ऐसा मौका भी आया जब बीजेपी और एसपी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। इन दोनों में छुटपुट झड़प भी हुई, इस तरह की भी खबरें आई। और मोदी और अखिलेश में जवाबी रोड शो के बीच बीएसपी सुप्रीमो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बरसी। उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री चाहे कितने भी मंदिर के दर्शन कर लें, अपनी पूरी कैबिनेट की ताकत वाराणसी में झोंक दें, लेकिन यहां पर बीजेपी को हार का सामना करना ही पड़ेगा। समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन पर भी मोदी का निशाना। जौनपुर में जो रैली को संबोधित कर रहे हैं, वहां पर उन्होंने कहा कि गायत्री प्रजापति के बहाने अखिलेश सरकार पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। गायत्री प्रजापति रेप मामले के आरोपी हैं, जिन पर केस चल रहा है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है और वो गायब बताए जा रहे हैं। अभी तक पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पाई है। इसी को लेकर समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो भी समाजवादी पार्टी को जीत नहीं दिला पाएगा। साथ ही गायत्री प्रजापति के बहाने अखिलेश यादव पर सीधे तौर पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश का संरक्षण प्राप्त है गायत्री प्रजापति को, इसी वजह से उनकी गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है। गठबंधन गायत्री प्रजापति मंत्र बोलता है, यहां तक कहा प्रधानमंत्री ने। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन और साथ ही जिस तरह से साझा रैलियां साझा रोड शो किए जा रहे हैं, उससे दोनों पार्टियों को ही कोई फायदा नहीं होने वाला है। भाइयों बहनों, अब ये इनका कारोबार चलने वाला नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों, काला धन हो भ्रष्टाचार हो, इसके खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। देश का जिसने लूटा है देश को उन्हें लौटाना पड़ेगा। तब तक हम चैन से बैठने वाले नहीं है भाइयों बहनों। मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। अभी अखिलेश जी मुझे कह रहे थे कि मोदी जी, अगर आप दिल्ली आगरा रोड पर जाओगे ना तो आप भी सपा को वोट दे दोगे। अखिलेश जी एक काम करो, आप जरा साइकिल पर बैठ करके और पीछे आपके नए यार को बिठा करके इसी हमारे जौनपुर में साइकिल पर बैठ करके खेता सराय से खुठानक, साइकिल चला के दिखा दो। चला पाएंगे क्या? अरे आप भी जाओगे तो आप भी सपा को वोट नहीं दोगे। क्या करके रखा है आपने? गांव के लोगों को जीना मुश्किल करके रख दिया है भाइयों। और इसलिए भाइयों बहनों, हमें विकास करना है, हमें विकास के लिए वोट चाहिए। हमें गांव के रास्ते बनाने हैं, हमें गांव को पानी पहुंचाना है। भाइयों बहनों, हम गुजरात से गोरखपुर तक एक पाइपलाइन बिछा रहे हैं। गुजरात से गोरखपुर तक करीब करीब 3000 किलोमीटर, और वहां से गैस उठाएंगे और इस पूरे इलाके में गैस लेकर के आएंगे। भाइयों, लोगों को यहां गैस आएगा तो उद्योग आएंगे। भाइयों बहनों, विकास की संभावनाएं बढ़ जाएगी। हजारों करोड़ रुपए हम लगा रहे हैं ताकि इस क्षेत्र का विकास हो। विकास के लिए वोट चाहिए भाइयों बहनों। आप लोग 8 तारीख को मतदान है,
आखिरी दौर में मतदान आपको करना है। एक प्रकार से जिन जिन लोगों ने पाप किया है, उत्तर प्रदेश को तबाह किया है, आपको 8 तारीख को पिंडदान करने का सौभाग्य मिला है। कमल के निशान पर उंगली दबा करके, अपना दल के निशान पर उंगली दबा करके, भारतीय समाज पार्टी के निशान पर उंगली दबा करके इनका पिंडदान करना है। तो जौनपुर की रैली में एक बार फिर से विकास का नारा बुलंद करते हुए जमकर निशाना साधा समाजवादी पार्टी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। वहीं वाराणसी में रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ देर पहले बाबा विश्वनाथ मंदिर में पूजा की। मंदिर में पूजा के दौरान पीएम मोदी एक खास सहयोगी को भी साथ ले गए थे। यह वाराणसी के मौजूदा बीजेपी विधायक श्याम देव राय चौधरी, जिनका टिकट इस बार कट गया है। इनके बदले नीलकंठ तिवारी को टिकट दिया गया है। मोदी जैसे ही मंदिर के गेट पर पहुंचे, श्याम देव राय चौधरी वहां खड़े थे। पीएम ने उनका हाथ पकड़ उन्हें भी अपने साथ ले लिया और मंदिर में पूजा अर्चना की। तस्वीरें उस वक्त की हम दिखा रहे हैं, किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हें साथ लिया। हालांकि इन्हें टिकट नहीं दिया गया है। श्याम देव राय चौधरी ये विधायक है मौजूदा, लेकिन इस बार के चुनाव में इन्हें टिकट नहीं दिया गया है। इनकी जगह किसी और नेता को टिकट दिया गया है, लेकिन फिर भी इनका साथ मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया और इनके साथ ही मंदिर में पूजा अर्चना की। इससे साफ नजर आता है कि जो रूठे हुए विधायक हैं, जिनको टिकट नहीं दिया गया है, जिनका टिकट कट गया है, उन्हें मनाने में जुटे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसकी एक वानगी देखने को मिली यहां पर काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने जब प्रधानमंत्री पहुंचे। वहां पर श्याम देव राय चौधरी गेट पर ही खड़े हुए थे, उनको साथ ले लिया और उनके साथ ही इस मंदिर के दर्शन किए। बालकृष्ण हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। बालकृष्ण, रूठों को ऐसे मना रहे हैं प्रधानमंत्री, आज मौका था तो उसे भी पूरी तरह से उन्होंने बनाया। देखिए, प्रधानमंत्री को भी इस बात का एहसास है कि श्याम देव राय चौधरी, जो कि 7 बार से सीट से विधायक हैं, उनका जो टिकट काटा गया है उसको लेकर के बहुत नाराजगी है, न सिर्फ पार्टी के कार्यकर्ताओं में बल्कि यहाँ के आम लोगों में। उसकी वजह यह है कि श्याम देव राय चौधरी 7 बार से विधायक होने के बाद भी इस इलाके में बहुत पॉपुलर हैं। आप सड़क से अगर किसी से भी पूछे तो आपको कहते हैं कि वो सर सुलभ हैं, मामूली सी गाड़ी से चलते हैं, कभी किसी के सुख दुख में खड़े रहते हैं। अब यहाँ तक कि अपनी पार्टी के खिलाफ भी लोगों की शिकायतों को लेकर अपनी पार्टी के खिलाफ भी धरने पे बैठ जाते हैं और लोगों से बिल्कुल इस अपने इलाके में वो लोगों से बिल्कुल इस तरह से मिलते जुलते हैं जैसे उनके घर के सदस्य हों। तो ऐसे आदमी का टिकट काटा गया, उसकी वजह चाहे जो भी रही हो, लेकिन बीजेपी के नेताओं को भी इस बात का एहसास है कि उनके प्रति लोगों के मन में सिंपैथी है। खासतौर पर इससे भी वो बुजुर्ग हैं, इसलिए आज उसको डैमेज कंट्रोल की कोशिश कही जा सकती है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जब उनको पता था कि पूरा देश उनको अलग अलग कैमरों से देख रहा है, पूरी घटना लाइव जा रही है, उसमें उन्होंने चुना कि श्याम देव राय चौधरी को अपने साथ हाथ पकड़कर मंदिर में आग्रहपूर्वक ले गए। बहुत बहुत शुक्रिया बालकृष्ण तमाम जानकारी के लिए आपका। इससे पहले पीएम मोदी ने रोड शो के दौरान काशी विश्वनाथ मंदिर और काल भैरव मंदिर के दर्शन किए। आपको दिखा देते हैं तस्वीरें उस वक्त की जब दोनों मंदिरों में जाकर पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और साथ ही ये भी बता दें कि काशी विश्वनाथ मंदिर में राहुल गांधी भी पहुंचेंगे अब से कुछ ही देर बाद, यहां पर वो भी पूजा अर्चना करेंगे। लेकिन ये वो मंदिर हैं जो वाराणसी में स्थित हैं, विख्यात मंदिर जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मत्था टेका। मायावती की बात कर लेते हैं, उन्होंने भी आज वाराणसी में पीएम मोदी और अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने यूपी में गुंडाराज का आरोप लगाया तो वहीं पीएम मोदी पर हार के डर से काशी में पूरी कैबिनेट उतारने का तंज भी कस दिया। मायावती ने मोदी की विश्वनाथ मंदिर में पूजा पर भी निशाना साधा। अब आपके इस वाराणसी सीट के सांसद व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी आज फिर से यहाँ मंदिरों में जाकर कितनी भी आराधना आदि क्यों ना कर लें। और इसके साथ ही अपने केंद्रीय मंत्रियों की भी पूरी फौज यहाँ क्यों ना लगा दें। बनारस में अपनी पूरी केंद्र की सरकार की पूरी ताकत यहाँ क्यों ना लगा दें, पूरे मंत्रियों की फौज यहाँ पर
क्यों ना लगा दें, तो भी इस बार ये लोग इस चुनाव में अपना बेहतर रिजल्ट नहीं दिखा पाएंगे। अब चाहे श्री नरेंद्र मोदी आपके वाराणसी के सभी मंदिरों में जाकर कितनी भी पूजा पाठ क्यों ना करा लें, कितना भी प्रयास ये क्यों ना कर लें, रोड शो करके एक गाड़ी में बैठकर अपने कुछ चमचों को सड़क के किनारे खड़ा करके और उनके हाथ में फूल देकर अपने ऊपर फूलों को भी वर्षा क्यों ना करवा लें, अपने चमचों से अपने फूलों के अपने ऊपर फूलों की वर्षा क्यों ना करवा लें। लेकिन तो भी यहाँ बनारस के जो हमारे पुजारी हैं या मंदिर में जो लोग बैठे हुए हैं अंदर अंदर से, वो भी इनको आशीर्वाद अब देने वाले नहीं है। अब बीजेपी अपने किसी भी चेहरे को प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में पेश करने की अपनी अभी तक भी हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। और वहीं दूसरी तरफ सपा के मुख्यमंत्री पद का चेहरा जो अपनी सरकार में शुरू से ही यहाँ खासकर कानून व्यवस्था व अपराध नियंत्रण के मामले में जबरदस्त दागी चेहरा रहा है, तो अब कांग्रेस पार्टी भी यहाँ सपा के ऐसे दागी चेहरे के साथ ही गठबंधन करके ये चुनाव लड़ रही है। इस वक्त भी वाराणसी की गलियों में अखिलेश यादव और राहुल गांधी साझा रोड शो कर रहे हैं। उनके विजय रथ में आज तक की टीम मौजूद है। बस के अंदर दोनों पार्टियों के कई नेताओं से बात की आज तक संवाददाता राहुल कंवल ने। जी, इस वक्त हम लोग राहुल गांधी और अखिलेश यादव का जो रथ निकला हुआ है वाराणसी की सड़कों पे, उसके अंदर है और तमाम शीर्ष नेता कांग्रेस के भी समाजवादी पार्टी के भी इस वक्त हमारे साथ हैं। धर्मेंद्र यादव जी हैं हमारे साथ साथ, अशोक गहलोत जी हैं, यहाँ पे कांग्रेस के राजीव राय हैं, हमारे साथ राज बब्बर हैं। पहले धर्मेंद्र जी से पूछते हैं, आप उत्साहित हैं? जिस तरह का रिस्पॉन्स आपको फिलहाल दिख रहा है इस रोड शो में। मैं बहुत खुश हूँ, पूरा यकीन है कि आठों सीटें बनारस की समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन यहाँ से जीतेगा। गहलोत जी बताइए, भीड़ तो सुबह जब मोदी जी का रोड शो हुआ था तब भी जबरदस्त थी, आपका रोड शो ज्यादा इंप्रेसिव है या उनका? नहीं, कोई तुलना कर नहीं सकता। जो माहौल में देख रहा हूँ, जो सरचार माहौल है युवाओं में भी, बुजुर्गों में भी, घरों में भी, ये पहली बार देखने को मिल रहा है। बहुत शानदार माहौल है यहाँ पर। मोदी जी तो अचानक ही निकल पड़े क्योंकि उनको तो आज ये जो यात्रा निकलनी थी ज्वाइंट यात्रा अखिलेश जी की राहुल जी की, तो जानबूझ के उन्होंने समय चूज कर लिया। जबकि उन्होंने इलेक्शन कमीशन की कोड ऑफ कंडक्ट को उन्होंने जो है उनकी भंग किया है। उनका प्रोग्राम था ही नहीं आज इस प्रकार का, दर्शन का प्रोग्राम था और खुरी जी पे निकल सके, तो मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन को शिकायत करनी चाहिए। आप चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को शिकायत हो? इनफैक्ट कांग्रेस के जो शहर के उम्मीदवार हैं वो तो शिकायत करने की तैयारी भी कर रहे हैं। राज बब्बर जी हमारे साथ हैं, आप लोग कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन ये शिकायत से क्या होगा? भीड़ आपके लिए भी आ रही है, उनके लिए भी आ रही है, टेंशन में है आप? देखिए कतई हम टेंशन में नहीं, टेंशन में तो आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री स्वयं है कि उनको ये बौखलाहट जो है, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री की पद पर रहकर उनको नहीं करनी चाहिए थी। ये बिना परमिशन के उन्होंने जो है वो ये रोड शो किया अपना, और उसके बावजूद वो कितना भी उन्होंने सब कुछ कर लिया, उसके बाद देखिए उनके पास में लोगों का जो है नजारा, जो एक नज़ारा आपको दिख रहा है इस वक्त, मैं बहुत ईमानदारी से कहूँगा कि ये इसका वो 30% भी नहीं था। तो और हम इस बात को मानते हैं, वो लोग उल्टा दावा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपका रोड शो फीका है, उनका रोड शो बड़ा जबरदस्त। मैं तो यही कहूंगा कि जनता इस बात को फैसला करेगी।